हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम आयतन और उसकी इकाइयां वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट्स के बारे में जानेंगे। राजू और बबलू राजू के घर में क्रिकेट खेल रहे हैं। राजू ने अपना बल्ला घुमाया और गेंद सीधी जाकर एक जग जिसमें पूरी तरह पानी भरा हुआ था उसमें गिर गई। बबलू, चलो हम गेंद को इस जग से निकाल लें, वरना माँ मुझे बहुत डांटेगी। राजू, क्या तुमने देखा कि जैसे ही गेंद इस पानी से भरे जग में गिरी, उसमें से कुछ पानी छलक कर बाहर बह गया। हाँ बबलू, देखो मेज पर अब भी वो पानी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? राजू, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर वस्तु कुछ जगह लेती है, जिसे हम उस वस्तु का आयतन वॉल्यूम कहते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पाया बबलू, क्या तुम मुझे और विस्तार में समझा सकते हो? हाँ, लेकिन एक शर्त पर, मेज पर छलका पानी तुम पोछोगे। मंजूर है, अब जल्दी से मुझे आयतन वॉल्यूम के बारे में समझाओ। ठीक है राजू, पहले तुम एक मापक कप लेकर आओ। राजू झट से अपने कमरे से एक मापक कप ले आया। अब बबलू ने जग में से गेंद निकाली और उसे एक बार फिर पूरी तरह से भर लिया। राजू, अब मैं इस गेंद को एक बार फिर इस जग में डालूंगा और इस बार जब पानी छलकेगा तो मैं उसे इस मापक कप में भर लूंगा। ये कहकर बबलू ने गेंद जग में डाली और एक बार फिर पानी छलक कर मापक कप में भर गया। राजू, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मापक कप में कितना पानी भरा है? राजू ने मापक कप में भरे पानी की सतह को देखकर कहा, 50 मिलीलीटर। देखो राजू, गेंद इस जग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती है, इसलिए जग में से पानी बाहर छलक जाता है। जितनी जगह गेंद जग में बनाने की कोशिश करती है, उतना ही पानी जग के बाहर छलकता है। ये जगह जो गेंद लेती है, उसका आयतन वॉल्यूम कहलाता है। यहाँ जग में से 50 मिलीलीटर पानी बाहर छलका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि गेंद का आयतन वॉल्यूम 50 मिलीलीटर है। अरे वाह बबलू, ये तो बहुत मजेदार है। क्या मैं इस तरह से किसी भी ठोस वस्तु सॉलिड का आयतन पता कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो चलो अब हम इस कंचे का आयतन पता करने की कोशिश करें। राजू ने जग में से गेंद निकाल ली और उसे पूरी तरह पानी से भर लिया। फिर राजू ने इस बार जग में एक कंचा डाला। अगर इस बार मापक कप में इतना पानी भरा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कंचे का आयतन वॉल्यूम कितना है? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। मापक कप में भरे पानी की सतह 10 मिलीलीटर के निशान पर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंचे का आयतन वॉल्यूम 10 मिलीलीटर है। अरे वाह, इस कंचे का आयतन 10 मिलीलीटर है। चलो बबलू, मेरी माँ आने ही वाली होंगी, मैं जल्दी से मेज के पानी को पोंछ लेता हूँ और फिर हम बाहर चलकर क्रिकेट खेलेंगे। राजू ने मेज पोंछ ली और दोनों दोस्त क्रिकेट खेलने चले गए। बच्चों, इस वीडियो में हमने आयतन और उसकी इकाइयां
वॉल्यूम एंड इट्स यूनिट्स के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।